हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज दिन है फ्राइडे, सबका दिन मंगलमय हो। और गाइस, यहाँ का मौसम बहुत ही मतलब बारिश हो रही है, फिर से शुरू हो गई। कल पूरे दिन बारिश हुई है, बहुत तेज बारिश हुई है। और बच्चे गए स्कूल, और आप लोग पता ही है कि आज मेरे घर में ओकेजन है बरही बच्चों का, जो बेटी हुई थी आज उसका बरही है। तो देखिए मौसम कैसा रहता है, मौसम अच्छा रहे तो ज़्यादा ही अच्छा है, तो काम में काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। और रही बात, देखिए गाइस, यहाँ पर गमला रखे थे, देखो इस गमले में कितना पानी भर गया, ये देखिए दिख रहा है। अच्छा हुआ कि हम देख ही नहीं, तो मेरा पौधा सड़ जाता ही है। कोई है नहीं ना नीचे? नहीं। अच्छा देखिए, इसमें पानी आ गया पूरा। देखिए हम अपने बेडरूम के बालकनी में पौधे लगा रखे हैं, देखिए। उधर जो है हम कॉफ़ी चढ़ाए हैं। चले देखिए मैं कॉफ़ी पका कि नहीं पका। नहीं पता क्यों चाय से मुझे ना नफरत हो गई है, देखिए। और यहाँ बन रहा है मेरा कॉफ़ी, तो सब बन गया। आज घर पे ओकेजन है, सोचे फटाफट काम कर लें, जितना जल्दी हो सकता है उतना काम कर लें। बस वही सोचे जल्दी से हम कॉफ़ी पी करके घर फ्रेश कर लेते हैं। घर फ्रेश करने के बाद ये कहते कि वो नाश्ते में रोटी या सब्जी ना हल्का पोहा क्यों दाल तड़का तेरा बच्चा था कल का, तो पोहा खा के जाएंगे। बाबा रे बाबा, अच्छा देख, अच्छा दाल का बच्चा है ना, एकदम लाल अच्छा। तो दो ही रोटी खाइए। अरे यार हम आटा लगा दिए हैं, पोहा बनाना पड़ेगा। आप कल भून देना, मतलब चूल्हा रखा है बस, कल भून देना, पोहा तैयार हो जाएगा। अच्छा कहीं चक्कर आके गिर जाएंगे तो। देखिए ऐसा है ना, धीरे थोड़ा सा कंट्रोल किया आता है, इकट्ठे नहीं कंट्रोल किया आता है। चले गए अपना कॉफी पी ले, और कॉफी पीने के बाद हम पटापट घर का सारा काम कर लें, क्योंकि नीचे है ओकेजन यानी बरही, तो जल्दी से काम कर ले। अभी गई तो जल्दी जल्दी काम कर ले गाइज। और ये रहा मेरा कॉफी। हेलो गाइज, हम नहा धो लिए, और क्या कहते हैं नीचे जो है नहा ना गई हैं, तो हमको जाना है। हमको लगा बहुत ही भूख, जल्दी से नाखून उखून कटवा करके, और जो है कि हम भी जल्दी से खा लें। और खाने में जब बनाए हैं, क्या बनाए हैं आप लोगों को हम दिखा दें। सिंपल सा खाना बनाया, जल्दी से बनाए हैं। और क्या बनाए आज हम खाने में बनाए गाइज, ये रहा मेरा रोटी 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 कैसे खुलेगा, ये देखिए गाइज, ये रहा रोटी, और ये रहा आलू बैंगन की सब्जी। तो चले ये नाखून कटवा, तो चले नाखून कटवा कर जल्दी से खा लें, बहुत ही भूख लगा गाइज। फिर कल से पूजा पाठ शुरू हो जाएगा हम लोग के घर में, चलते हैं नीचे। ये देखिए गाइज, हम नीचे आ चुके हैं, पापा बैठे हुए हैं, यहाँ जूली है। जूली जो भारी नेग मांग रही है, काले वो जूली बिल्कुल। और यहाँ पापा बैठे हैं, अम्मा देखिए तैयार हो गई है, अम्मा तैयार हो गई है। नाउन कब तक आएगी? अच्छा यहाँ पे चादर बिछी है गाइज सबको बैठने के लिए। कॉलोनी के लोग आएंगे, 2 बजे तक टाइम दी है ना, तो 3 बजे तक लोग आएगा, 4 बजे तक बिंदी लगा लीजिए। चलो चले गाइज। हेलो गाइज, नीचे गया था, अम्मा बोली कि नहीं इसमें खा करके तब नाखून कटवाया जाता है, क्योंकि ये सूप कार हो रहा है ना, इसीलिए। तो अभी ऊपर आए हम, कुछ खा लें, वो बहुत भूख लगा था, अब जाएंगे तब खा के तब नाखून कटवाएंगे। चलते गाइज खा लें। गाइज यहाँ लग रहा है, यहाँ मेरा नहीं लग रहा गाइज, ये मेरी सासू माँ का लग रहा है, पहले आलता ये लग रहा है कि बच्चे के पापा बहुत ज्यादा थक के हार के सो। देखिए ला दे रहे, तकिया ला दे रहे। साड़ी पहनेंगे, जल्दी जल्दी करी का करिए, हाथ काटिए का अपन ए पे नाखून का थोड़ा सा कटिए, हल्का सा टच करिए, बस बस बस। हाँ पैसा ना दे,
एक रुपया काहे भाई काहे ना ये बता नहीं करो यही बात पे अब एक रुपया दिलाई तो क्या वो क्या बोली है प्रेम हो तो दिहान का हो ना हमके तो उसे प्रेम नहीं खे हमके प्रेम है नहीं खे हमके प्रेम खत्म हो गए देखो कैसे इतना बिछ गया है कब से लोग आएंगे क्या है ये निछावर है तो निछावर में क्या होता है कब से कॉलोनी वाले हो कहाँ रखे इसको कितने बजे बुलाया गया दादी कॉलोनी वाले बुलाया कौन है।